हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनके आंसर भी हम लोग, या ऐसे कह लीजिए एमपी जीके का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग इस तरह के 12-11 आपके टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 12वां टेस्ट है, ठीक है। एक बात को हमेशा याद रखा करिए, टेस्ट कब देते हैं आप लोग, परीक्षाएं कब देते हैं, जब आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है, ठीक है। अगर आप ही सोचो, अगर आपने तैयारी नहीं की, आपने नहीं पढ़ा, आप मॉक पेपर देने जाते हैं या कोई टेस्ट देते हैं, क्या पता चलेगा आपको कि आपकी तैयारी कहाँ पहुंची? या तो आप तुक्का लगा के आ जाओगे। तो इसलिए पहले एमपी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, और हमारी तरफ से भी आपको कवर किया गया है पूरा मध्य प्रदेश जीके, और उसके बाहर आपका कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा, इतना मेरा मानना है। तो 17 करीब 17 घंटे की क्लास है आपकी, जो सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसमें 17 घंटे की क्लास डली हुई है। उसमें आपका पूरा मध्य प्रदेश कवर किया गया है, तो वहाँ जाकर देख लें। वो बहुत डिटेल के साथ किया गया है, यानी कि एमपीपीएससी लेवल तक का, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप लोग देख लें, ठीक है। चलते हैं हम लोग 12वें टेस्ट की तरफ। तो 12वें टेस्ट में आपका पहला क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो, इस तरह सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, यूपी में भी पूछा जाता था, एमपी में कम ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है आगे पैटर्न बदले, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो हमें सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ये आपका इंदौर में है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर, वानिकी अनुसंधान केंद्र ये आपका छिंदवाड़ा। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर, वानिकी अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा। अब आप ही सोचिए, आपको अगर पता ना हो कि ये संस्थान कहाँ है तो आप गलत कर बैठेंगे क्वेश्चन। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप पहले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। मध्य प्रदेश में देश का 59% सोयाबीन उत्पादित होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश की उपमा दी जाती है, सही है। चना और अलसी उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र स्थापित है, ये भी आपका सही है। मालवा के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है, यह आपका गलत है। सरसों आपका भिंड मोरेना में होता है, कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा भिंड मोरेना की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपका डी होगा, डी सही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका क्या होगा, डी। अब अगर आपको तीन कथन सही पता ना होते तो आप कैसे बता सकते थे कि डी गलत है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथन जो नीचे दिए गए इन पर हमें विचार करना है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, सही है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है, सही है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, सही है। तो आपके चारों कथन सही हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है, निम्न में से कौन से कथन असत्य नहीं है, यानी कि कोई भी आपका गलत नहीं है। तो चारों कथन आपके असत्य नहीं है, यानी कि गलत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर तीन में आपका क्या होगा, डी, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन चार क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु सन 2000-2001 से प्रारंभ खाद्य बीज की अदला बदली योजना का नाम है,
तो ये है आपकी अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सी होगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपका छठवा, क्या है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है आपका उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डी है, क्या होगा? डी आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 7, सोयाबीन की खेती किस जिले में नहीं की जाती है? सोयाबीन की खेती किस जिले में नहीं की जाती? उमरिया में नहीं की जाती है और कटनी में नहीं की जाती है। तो इसमें ए बी दोनों होंगे, नीमच में की जाती है। 7 में आपका सी, 8 क्या है? 8 मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपको बता देना है होशंगाबाद। 8 में क्या होगा? ए, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 9, क्या है अगला क्वेश्चन 9? चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये आपका बालाघाट। 9 में आपका सी होगा, 9 में क्या सही होगा? सी ऑप्शन। 10, चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये आपका प्रथम है। 10 में ए ऑप्शन सही। 11, प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल आपकी सोयाबीन है, यानी कि 11 मार्क का डी, 11 में क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 12, मध्य प्रदेश में गांजे का उत्पादन किस जिले में होता है? मध्य प्रदेश में गांजे का उत्पादन आपका खंडवा में होता है। 12 में आपका ए। 13, मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन मंदसौर में होता है, यानी कि 13 में आपका बी। याद रखना, गांजे का उत्पादन खंडवा और अफीम मंदसौर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 14, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका रतलाम में है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बी होगा। 15, मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया मध्य प्रदेश में? तो ये आपका 1997। 15 में आपका बी। 16, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना आपकी 1978 में की गई थी। कब? 1978 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17, मालवी थार पारकर साहीवाल आदि क्या है? ये आपकी गाय की नस्लें हैं। किसकी? गाय की नस्लें हैं। 17 में आपका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है 18? मध्य प्रदेश में पैदा की जाने वाली फसलों के सही क्रम को पहचानना है। मध्य प्रदेश में
पैदा की जाने वाली फसलों के सही क्रम को पहचानना है। सोयाबीन, गेहूं, चावल, मक्का। 18 में आपका ए। 19, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानना है, यानी कि गलत कथन को पहचानना। गेहूं राज्य में रबी के मौसम में पैदा किया जाता है, सही है। अफीम की खेती मंदसौर में की जाती है, सही है। गांजे की खेती सिवनी में की जाती है, गलत है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन उज्जैन जिले में होता है, सही है। अब इसमें सी गलत है आपका। क्या है? सी गलत है। क्यों गलत है आपको समझ में आ गया होगा। गांजे की जो खेती है खंडवा जिले में की जाती है, ना कि सिवनी में। 19 में सी गलत, सी है, ठीक है। 20, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में है। 20 में आपका डी होगा। 20 में क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा 21? कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो ये आपका खरगोन में। ए ऑप्शन सही है 21 में। 22, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? धान अनुसंधान केंद्र आपका वड़वानी में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23, मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये आपका धार जिले में। 23 में आपका डी। 24, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका खमरिया। ए ऑप्शन सही है 24 में। 25, प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है? प्रदेश मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में? टीकमगढ़ और रीवा। बी डी ऑप्शन सही है, यानी कि बी सी दोनों सही। 26, प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किन जिलों में होता है? यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस जिलों में होता है? तो यहाँ आपके मुरैना और शिवपुर। 26 में आपका बी। 27, उद्यानिकी महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? उद्यानिकी महाविद्यालय आपका मंदसौर में है। 27 में आपका बी। 28, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब से शुरू किया गया? मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब से शुरू किया गया? तो ये आपका 2005-06 से। 28 में क्या होगा आपका? बी। 29, राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब से चल रहा है? तो ये आपका 1975 से। 29 में आपका सी। 29 में क्या होगा? सी। 30, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? जलदीप परियोजना है जो मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? तो ये था आपका इंदिरा गांधी सागर। 30 में आपका ए, ठीक है। फिर है आपका 31, सूची एक को सूची दो से हमें सम्मिलित करना है। ये आपके फूड पार्क हैं सूची एक में, सूची दो में जिला है। तो मंडेरी ये आपका मंडला में है, बोरगांव ये आपका छिंदवाड़ा में, मालनपुर आपका भिंड में है, निबरानी ये आपका खरगोन में। यानी कि 31 में आपका डी होगा। 31 में क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा आपका। फिर है आपका 32,
क्या है 32 में? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पशु सीधी तथा सबसे कम पशु बुरहानपुर जिले में है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में पशु घनत्व कम पाया जाता है तथा दक्षिणी हिस्सों में पशु घनत्व अत्यधिक पाया जाता है। देश में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राज्य का 8वां स्थान है। तो ये आपके सभी कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। 32 में क्या होगा आपका? डी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या है 33? मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। 33 में आपका ए। 34, मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश राज्य में जड़ी बूटी बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका पनार पानी है। 34 में आपका सी। 34 में क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35, मध्य प्रदेश की बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? ये आपकी बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने से। 35 में सी होगा। 36, मध्य प्रदेश में बेहद फसल बीमा योजना कब लागू की गई? 1985 में। कब? 1985 में। 36 में आपका बी। 37, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थित है ग्वालियर में। 37 में आपका ए। 38, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम कब प्रारंभ किया गया? ये आपका वर्ष 1982 में। 38 में आपका बी होगा। 38 में क्या होगा? बी। 39, मध्य प्रदेश की द्वितीय प्रमुख तिलहन फसल है राई सरसों। 39 में आपका डी। 40, मध्य प्रदेश में राज्य जैविक कृषि नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई? मध्य प्रदेश में राज्य जैविक कृषि नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो ये आपकी वर्ष 2011 में। 40 में क्या होगा आपका? बी। 41, मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता एवं उत्पादन राज्य के किस जिले में है? ये आपका छिंदवाड़ा है। 41 में आपका डी। 42, है प्रदेश में न्यूनतम कृषि कृषित भूमि वाला जिला कौन सा है? प्रदेश में न्यूनतम कृषित भूमि वाला जिला है आपका मंडला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43, राज्य का देश के कुल दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? 7वां। 43 में आपका ए है। 44, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला है? उज्जैन। 44 में आपका बी। 45, खंडवा जिला निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? प्याज। 45 में आपका ए। तो चलिए, ये था आपका 12वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 13वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है।